सुनो दोस्त, वैसे तो यार बियर्ड जर्नी में सब कोई अपने पतले बालों को काला करना चाहता है, लेकिन भाई काला बहुत कम लोगों का बियर्ड पाया जाता है। ठीक है, देखो भाई, अगर तुम्हारे बियर्ड के बाल पतले हैं तो भाई भूरे भूरे होते हैं, ब्राउन होते हैं, तो भाई वो ससुर क्या होते हैं यार, स्क्रीन में छिप जाते हैं भाई, पता नहीं चलता है। अगर भले से पतले हैं, अगर काले रहेंगे तो भाई दूसरे बंदे को भी दिखाई देगा, सबको दिखाई देगा। तो दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने बियर्ड को काला कैसे कर सकते हो, घना कैसे कर सकते हो, चाहे तुम्हारे बियर्ड के बाल पतले क्यों ही ना हो। ओके, तो चलिए मैं आपको पहले तो भाई रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि प्रूफ दिलाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो देखो भाई, ये दोस्त की पहली की तस्वीर, जो कि बियर्ड इसमें बहुत कम आपको दिखाई दे रही है। ठीक, और यहाँ पर देख लो एक मिनट, यहाँ पर इन्होंने क्लीन क्लियर फॉर्मिंग फेस वॉश है। ठीक है, ये जो है कि इन्होंने अपने बियर्ड को वॉश करने के लिए यूज़ किए थे। मतलब देखो भाई, बियर्ड जर्नी में आप अपनी स्किन को जितना साफ़ सुथरा रखते हो ना, उतने अच्छे तरीके से आपके बियर्ड में दोस्त एक होल पाया जाता है, जो कि हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, आपके बियर्ड्स के फॉलिकल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो भाई उन्हें भी जीवित रहना ज़रूरी है। ओके, तो भाई आप अपने चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखिए, क्लीन रखिए। ठीक, तो भाई यहाँ पर देख लो, ये रिज़ल्ट भाई को मिलने लगा है। लेकिन दोस्त, ये रिज़ल्ट कितने दिन का है, मैं आपको तस्वीर रिजल्ट दिखाने के बाद प्रोडक्ट वगैरह सब मैं आपको इसी में दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट भी देखते जाइए और भाई के रिजल्ट भी देखते जाइए, और मैं आपको बताऊंगा आप अपने बियर्ड को काला कैसे कर सकते हो। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो भाई की जो रिजल्ट है यार, ठीक ठाक है, बियर्ड ग्रो हुआ है अच्छे से। लेकिन अगर मैं गालों के बीचों बीच में बात करूँ तो यार यहाँ पर कुछ थोड़े कम डेंसिटी है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आते रहते हैं। ओके, तो भाई यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इन्होंने मार्स का टैबलेट यूज़ किया है, बायोटिन मल्टीविटामिन्स एंड केराटीन बायोटिन है। ठीक है, 60 टैबलेट इसमें रहता है, जिस बंदे को भी इसकी ज़रूरत है लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब यहां पर देख लो, बियर्ड अब इनके मोटे भी होते जा रहे हैं। ठीक है, काला तो हो रहा है भाई, जो बियर्ड के बाल पतले होते हैं दोस्त, वो जल्द काले नहीं होते हैं, मैं ये बात हर एक वीडियो में बोलता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देख लो, काला भी हो रहे हैं और घने भी हो रहे हैं। ठीक है, मोटे तो वैसे ये बियर्ड होते जा रहे हैं, तो भाई दोनों साइड का देख लो। अब यहाँ पर देख लो भाई, बंदे की यार स्किन भी काला पड़ चुकी है, जो कि आप लोग लापरवाही करते हो। मिनोक्सिडिल लगाकर आपको धूप में नहीं जाना चाहिए दोस्त, अगर सूख जाता है तो ही आप धूप में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, एक एक बाल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर देखो भाई, बियर्ड भाई की बहुत तेज़ी से मोटे हो रहे हैं। ओके, इस बंदे ने क्या फॉलो किया है मैं आपको 100% बताऊँगा, अगर आपको भी प्रॉब्लम है बियर्ड की। तो देख लो भाई, वैसे तो भाई की रिजल्ट बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बियर्ड पर यार देखो भाई ने कुछ यूज किया है, लेकिन मैं आपको रिजल्ट दिखाने के बाद ही बताऊंगा भाई ने क्या यूज़ किया, इतना जल्द कैसे भाई की बियर्ड काला हो चुकी है। देखो आप लोग अगर बियर्ड में कोई भी ऑयल लगाते हो ना, तो भाई आपकी स्किन थोड़ा शाइनिंग दिखती है, आपके बियर्ड थोड़े शाइनिंग दिखते हैं, लेकिन भाई ये एक्चुअली बियर्ड काला हो चुका है। ओके, चलिए एक तस्वीर मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देख लो दोस्त, ठीक है, बहुत डार्क में काला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, तो भाई यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कितने दिन का रिजल्ट है। तो चलिए लाइव प्रूफ हम व्हाट्सअप ओपन करते हैं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो भाई लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं व्हाट्सअप ओपन कर लिया हूँ और भाई की ये रिजल्ट पहले की है, जो कि इनके कुछ बियर्ड पहले से थे, नेचुरल बियर्ड थे, लेकिन भाई गालों के बीचों बीच में प्रॉब्लम थी, जो कि सबको प्रॉब्लम होती है, बियर्ड नहीं आती है। ओके, मैं आपको पूरा रिजल्ट मैच करा देता हूँ। यहाँ पर देख लो, इस बंदे ने पहले स्टार्टिंग में गलती किया था, बियर्ड ग्रोथ ऑयल यूज़ किया, बट आप लोग समझ रहे हो ना, रिजल्ट नहीं मिला। अब यहाँ पर देख लो, इन्होंने अपना प्रोडक्ट वगैरह ऑर्डर किया था मार्स का, इन्होंने मिनोक्सिडिल यूज़ किया। ओके, पहला नंबर मार्स का इन्होंने मिनोक्सिडिल यूज़ किया, फिर उसके बाद इन्होंने मिनोक्सिडिल टाइपिकल सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट एक ही है, बट जो है कि प्रोडक्ट का जो लेमिनेशन है कलर चेंज है। ठीक है, लेकिन सीरम जो है ना सेम है। ओके, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर देख लो दोस्त, इसका प्राइस 799, बट अगर आप लोग हमारे लिंक के थ्रू परचेज करते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, तो भाई यहाँ पर देख लो, पूरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर बायोटिन टैबलेट इन्होंने यूज़ किया। यहाँ पर देख लो दोस्त, आपको बायोटिन जो है ना बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, बहुत से लोगों का कैप्सूल मिला था, तो भाई कैप्सूल वाला यूज़ नहीं करना है। ठीक, इनका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, देख लेना आप लोग। ठीक, तो भाई उस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्त, मैं पूरा आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा, ये रहा फाइनल रिजल्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितने दिन का रिजल्ट है। ओके, तो एक मिनट, मैं नीचे आ गया हूँ। अब यहाँ पर देख लो भाई, ये पिक आज का है 22 तारीख। एवियन 3 hours लगाऊँ तो चलेगा क्या भाई, टाइम नहीं मिलता ना सुबह में। तो देखो भाई, जो लोग एवियन यूज कर रहे हो, अगर तुम्हें सुबह में टाइम नहीं मिलता है तो भाई टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम बियर्ड के लिए चैनल पर आए हो, जर्नी स्टार्ट किया हो, तो भाई तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। देखो, इस बंदे को बहुत मुश्किल से टाइम मिला, वो भी 3 घंटे तक अपने बियर्ड पर एवियन यूज कर रहा है, और ये बियर्ड जो काले हुए ना, ये एवियन का असर है। समझ में आ रहा है? देखो दोस्त, बहुत से लोग एवियन को हल्के में लेते हैं, दोस्त हल्के में मत लेना, बहुत फायदेमंद है स्किन के लिए, आपके बियर्ड के लिए। देखो भाई, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, एवियन 400 जो है ना रिजल्ट आपको देता है, लेकिन आपके देखने में रिजल्ट लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल यार, रिजल्ट मिलता है, लेकिन बहुत स्लो रिजल्ट मिलता है। लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आता है भाई, तुम्हें खुद फर्क
दिखाई देने लग जाता है। ओके, तो भाई बियर्ड इनके जो है ना एवियन 400 से ही काले हुए हैं, और जो ये बियर्ड जो चमक रही है ना, स्किन चमक रही है भाई ने सुबह में एवियन यूज किया है, ठीक है, लगाया है। ओके दोस्त, मैं आपको बता दूं सिर्फ इन्हीं के बियर्ड काले नहीं हुए एवियन से, मैंने कई लोगों का रिजल्ट दिखाया है भाई। अगर तुम्हें अपने बियर्ड को काला करना है तो भाई सुबह में एवियन तुम यूज़ करना, ओके, तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे लेकिन थोड़ा स्लो रिजल्ट मिलेंगे। मिनोक्सिडिल का क्या काम है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो चलो थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो भाई, अगर तुम्हें बियर्ड ग्रो करना है, तुम्हारे नए बाल नहीं है, नए बाल उगाने हैं, तो भाई मिनोक्सिडिल का सपोर्ट लिया जाता है। मिनोक्सिडिल आपके बियर्ड को यार बहुत कम चांस है कि काला करे, उसका काम है उन्हें तैयार करता है, जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं उन्हें तैयार करता है, ठीक है। मिनोक्सिडिल जो है आपके बियर्ड को उतने अच्छे से काला नहीं कर पाता है। सुबह में आपको एवियन कोकोनट ऑयल में मिक्स करके दोस्त यूज़ करना चाहिए अगर आपको अपनी बियर्ड काला चाहिए तो। और हाँ, साथ में पेशेंस भी रखना, सबर भी रखना, ये मत सोचना यार मैं 10 दिन तक यूज़ किया मेरे बियर्ड काले नहीं हो रहे हैं। दोस्त आप थोड़ा इंतज़ार करना, ठीक है, पेशेंस रखना, आपके बियर्ड 100% काले हो जाएंगे। तो भाई आप लोग देखे हो इस बंदे का ये रिजल्ट और पहले का रिजल्ट जो है तुलना कर लो, ये किसी भी तरह का एडिटिंग फोटो नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई फिल्टर वगैरह इस पे लगाए गए इसलिए काला दिख रहा है, तो दोस्त यहां पर देख लो मैं आपको लाइव चीज दिखा रहा हूं, गर्दन के नीचे भी देख लो, ठीक है, कहीं पर भी फिल्टर का यूज नहीं किया गया है। भाई जिसका ये रिजल्ट है कमेंट में जरूर बताना ताकि सबको पता चले यार, ठीक है। यहां पर देखो भाई बियर्ड तो यार बहुत अच्छी ग्रो हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे इनके बियर्ड टर्मिनल भी हो रहे हैं, स्किन में दोस्त गोरापन आ चुका है, ठीक है। बहुत देखो भाई एक चीज़ बता दूँ, जिनके स्किन गोरी होती है और उनके बियर्ड भूरे होते हैं तो भाई मज़ा नहीं देता है। अगर वही बियर्ड ससुरे काले हो जाए तो सच में बोल रहा हूँ रंग आ जाएगा। ये बात कितने लोगों को पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताना, सबको पता चलेगा, ठीक। तो भाई आफ्टर एंड बिफोर का मैं आपको रिजल्ट दिखा दिया हूं। अब यहां पर देख लो दोस्त, यहां पर इनकी स्किन जो है थोड़ा चेंज है और बियर्ड के शेप भी चेंज है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जर्नी में 9-10 का अंतर होता रहता है, पाया जाता है। तो चलो भाई बिगनर लोगों के लिए मैं थोड़ा कुछ तरीका बताता हूँ, अगर तुम्हारे बियर्ड के बाल काले नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है। देखो दोस्त, अगर तुम्हारे बियर्ड के बाल बहुत छोटे हैं तो यार देखो काला तुम कितना भी करोगे ना तो मतलब होंगे नहीं। तुम क्या करो, पहले मिनोक्सिडिल से अपने बियर्ड के बाल सभी एक्टिवेट कर लो। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो दोस्त हल्का सा यार ट्रिम करना, ज़्यादा ट्रिम मत करना, उसके बाद आप लोग एवियन यूज़ करना, ऑटोमेटिक आपके बियर्ड काले हो जाएंगे, ठीक है। जिनके बियर्ड के बाल मोटे होते हैं विदाउट एवियन यूज किए भी वो काले हो जाते हैं, ठीक। अगर आपके बियर्ड के बाल पतले हैं तो दोस्त आपको एवियन ज़रूर यूज करना चाहिए। एवियन आपके बियर्ड को काला भी करेगा और मोटा भी करेगा और स्किन को सुरक्षित भी रखेगा। जो आप लोग मिनोक्सिडिल डर्मा रोलर वगैरह यूज़ करते हो ना तो स्किन आपकी सही रहेगी। बायोटिन भाई आप लोग यूज़ करो, जिनके 1-2 महीने बीत चुके हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है तो भाई आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, लेकिन मैं आपको बता दूं जिनके पास बजट है तो भाई आप लोग यूज़ करो। अगर तुम्हें फास्ट रिजल्ट चाहिए भाई तो फुल किट यूज़ करना, ओके। कितना बार एक ही बात बताऊँ मैं तुम्हें, तो दोस्त आप लोगों को थोड़ा मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ कितने दिन का ये रिजल्ट है। तो भाई ने इधर ही कहीं मेंशन किया था, यहाँ पर देख लो भाई मेरा 1 महीना 17 दिन हो गया है, भाई मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ कोई भी चीज़ ले जाने नहीं देंगे, मोबाइल भी नहीं, ओके। मतलब ये भाई कहीं जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वहाँ पर मिनोक्सिडिल वगैरह मना है, तो भाई यार 2 दिन गैप करना, 3 दिन गैप करना, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। अगर गैप करते हो भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ही लॉस होगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लो शायद ये 1 महीना 17 दिन हो गया है, ये लग रहा है पीछे का है, ठीक है। अब इधर मैं देखता हूँ नीचे, नीचे तो भाई ने कहीं मेंशन नहीं किया है, ठीक। वैसे यार मैं पुराने वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना, 1 मंथ 18 दिन 2 दिन नहीं लगाया हूँ भाई, बाहर गया था तो ही ये बंदा वापस भी आ चुका बाहर से, ओके। मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना कितने दिन का ये टोटल रिजल्ट है। बट मेरे को यहाँ पर डाउट लग रहा है, देखो भाई जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ भाई आपको मेरे वजह से दुख हो तकलीफ हो कि बंदा देखो बात बना रहा है इधर का उधर बात बता रहा है। देखो भाई यहाँ पर जितने चैट है मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, तुम यूट्यूब पर पूरा सर्च करना, कोई भी बंदा ऐसा वीडियो नहीं बनाता होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ओके। तो दोस्त यहाँ पर देख लो भाई सब कुछ तो मैं आपको बता दिया हूँ, प्रोडक्ट इसने कौन सा यूज़ किया, कितने दिन तक यूज़ किया, आप पुराना वीडियो देख लेना आपको पता चल जाएगा, ओके। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।